विराष्ट्री न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। रविंदर धोत्रा, प्रेसिडेंट कठा इंडस्ट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन, ने आज यहां प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस वार्ता रखी है। उनके साथ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर्स भी जो है वो इस प्रेस वार्ता में मौजूद होंगे। क्या कुछ जो है वो कहेंगे प्रेस वार्ता में, आइए देखते हैं। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि वैशाखी के शुभ अवसर पर की पूर्व संध्या पर प्रमंडल उत्तर वैनी तीर्थ सेवा न्यास की तरफ से ये दिनदर्शिका हम इसका विमोचन कर रहे हैं, जिससे सारे समाज के अंदर धार्मिक विचारों से भर कर के सब प्रकार के उत्सव मनाए जाएं और ठीक तिथि के अनुसार उत्सव मनाए जाएं, अपने धार्मिक कार्यक्रमों को अच्छी तरह से संपन्न किया जाए। तो इसके लिए सबको बधाई है बहुत बहुत। और इस सारे का जो जिन्होंने तैयारी की, बनाया, सारी मेहनत की है डॉक्टर चंद्रमौली रैना जी, तो उन्होंने सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक एक चीज़ को इसके अंदर जोड़ा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस विषय में वो हमें और थोड़ी सी जानकारी देते हुए इस विषय के बारे में बताएँ। डॉक्टर साहब, रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। आपदाम अवहतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूय भूयो नमाम्यहम। नमोस्तु रामाय, नमोस्तु रामाय। वस्तुतः ये जो तिथि प्रदर्शक हमने बनाया है, ये हमारी पहले भी परंपरा थी। पुरानी परंपरा को दोबारा आज पहली बार जम्मू में ये चीज़ बनी है। इसी प्रकार के कैलेंडर जो हैं वो आज भी वाराणसी या यूपी के प्रांतों में छपते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग तिथियों के बारे में जानना चाहते हैं, त्यौहारों के बारे में जानना चाहते हैं। जम्मू में इसका प्रचलन अभी नहीं था, तो ये एक प्रेरणा मुझे मिली श्री महेश्वर जी से और आपसे ये मिली प्रेरणा। आपने कहा कि हमें इस तरीके से चाहिए, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा अच्छा कार्य मुझे मिला। तो ये बड़ा श्रम साध्य है, इसमें बहुत हमें श्रम करना पड़ा और जितना हम सोच रहे थे उससे थोड़ा हमने जल्दी भी बना लिया। तो ईश्वर की कृपा से ये परंपरा का निर्वहन जो है अब जम्मू भी करने लगा है। प्राचीन काल में जब जम्मू में कोई विद्वान संस्कृत का ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त करता था तो उसको गुरु लोग कहते थे, काशीम गच्छ, काशी जाओ। काशी जाना क्या मतलब, काशी के विद्वानों से आप शास्त्रार्थ करो, अगर वहाँ से आप शास्त्रार्थ जीत करके जम्मू आते हो तो आप विद्वान हो। और इसी प्रकार से काशी में जब कोई विद्वान विद्या अध्ययन करने के बाद उसको उसके गुरु ये कहते थे, जम्मू कश्मीरम गच्छ, जम्मू कश्मीर में जाओ। और यहाँ के विद्वान उनसे शास्त्र चिंतन करते थे। तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इसमें जो भी हमने तिथि वार नक्षत्र जो भी दिया हुआ है वो सारी प्राचीन परंपरा के अनुसार, जो भारतीय पद्धति के अनुसार और जो विशेषतया ये एक हिंदुत्व की भावना को भी प्रकट करता है और ये सनातन को प्रकट करता है। सनातन का मतलब है जो बहुत शुद्ध, बहुत पुराना है। तो सनातन धर्म जो है वो शुरू हुआ था जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाना शुरू किया था, सनातन तब से चल रहा है। तो इसलिए ये एक जम्मू में एक कड़ी बन जाएगी। अगली वर्ष में हम इस कैलेंडर में और भी बहुत से नई चीज़ों को लाने का प्रयास करेंगे। और मुझे ये गर्व हो रहा है कि आज हमने एक जो हमारी परंपरा है, जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, हमने उसको उजागर किया है। आप सब लोगों का जो जहाँ
मीडिया पर्सन आए हुए हैं, उन सब का मैं हार्दिक अभिवादन अभिनंदन नंदन करता हूं। धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा सा लगेगा।